વાપી ખાતે આવેલ રોફેલ મેનેજમેન્ટ કોલેજમાં એમબીએ વિભાગ દ્વારા ઇટીકા 2019 કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોલેજ કેમ્પસમાં યોજાયેલ બે દિવસીય કોમ્પિટિશનમાં 30 કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ધોરણ 10-12 વિદ્યાર્થીઓએ પણ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો હતો. આ કોમ્પિટિશનમાં વિદ્યાર્થીઓ ઇન્ડોર અને આઉટડોરની વિવિધ રમતો તેમજ ક્વિઝ કોમ્પિટિશન, ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન તથા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવા અને ડાન્સ અને સિંગિંગ તથા ફેશન શોની સ્પર્ધામાં ઉત્સાહે ભાગ લીધો હતો. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ, નમસ્તે. આઈ એમ નુપુર અંગ્રીશ, ફેકલ્ટી રોફેલ એમબીએ. ટુડે ઇન આર કોલેજ વી આર ઓર્ગનાઇઝિંગ એટિકા 2019. This is the 7th year we are organizing it. ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आज के यूथ को प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकें ऑन लॉट मैनी रेलिवेंट टॉपिक्स. लाइक इन द डिबेट कॉम्पिटिशन वी हैव टॉपिक ट्रांसजेंडर्स राइट इन इकोनॉमी. तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इसमें आसपास के सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ आएँ, मंच पर आएँ और वो एथिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उसको हम सोसाइटी में बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अपने थॉट्स, अपने विचार व्यक्त करें. आगे और इस कॉम्पिटिशन के बारे में आपको आभा सिंह भी बताएंगे. आई एम डॉक्टर आभा सिंघवी और हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स जो हमारे एमबीए के हैं, हम लोग साथ में मिलके बहुत सारी स्पॉन्सरशिप इकट्ठे करते हैं. उसके बाद 25-30 कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं और हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है पूरा इवेंट, जिसमें आज की जो यूथ है उनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उन्हें निभानी है. इसका एटिका नाम इसीलिए रखा गया है कि जो इथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज हैं हमारे इंडियन कल्चर के, उस पर बच्चे ध्यान दें और आज की जो नई जनरेशन है, जो कल का भविष्य है, इनको पता चले कि हाँ हमें क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं. इसके लिए हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, जैसे कि क्विज, एलिक्यूशन, डिबेट है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, डांसिंग, सिंगिंग एंड मिस वापी, ऐसे वॉलीबॉल, बॉक्स क्रिकेट, जिससे न उनके मतलब फिजिकल फिटनेस भी बढ़ेगी बट उनकी मेंटल, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा. और हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो. ऑलमोस्ट 25-30 कॉलेजेस आई है, 10-12 स्कूल्स के बच्चे आए हैं, 400+ स्टूडेंट्स हैव कम. ये 2 दिन का इवेंट है, आज और कल चलेगा.